दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूं अक्षय कुमार का अपकमिंग मच एवर्टेड मूवी पृथ्वीराज से। अब दोस्तों, कुछ दिन ही बचा हुआ है इस मूवी को रिलीज करने में। जैसे दोस्तों, 21 जनवरी 2021 को पृथ्वीराज मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा, और अब दोस्तों 29 दिसंबर 2021 हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मूवी का ट्रेलर तक नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया है? क्या ये मूवी हो जाएगा पोस्टपोन्ड? इसका रिलीजिंग डेट को और भी आगे बढ़ा दिया जाएगा? तो क्या होगा, रिलीज करेगा या नहीं? सब दोस्तों कंफर्मेशन इसी वीडियो आप लोगों को देने वाले हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना। और दोस्तों, गोपाल के रिव्यू यूट्यूब चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल करके रखना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, डॉक्टर चंद्रप्रकाश त्रिवेदी का डायरेक्शन में इस मूवी को पूरा के पूरा तैयार हो चुका है। इस मूवी में अक्षय कुमार के अलावा मानुष चिल्लर, सोनू सूद, संजय दत्त और भी काफी सारे टैलेंटेड कलाकार है। ये एक बहुत बड़ा महंगा वाला बजट वाला मूवी है। तकरीबन 300 से 350 करोड़ रुपए में दोस्तों इस मूवी को बनाए हैं। यशराज बनारतले इस मूवी को बनाए हैं, ठीक है। तो आप बात किए दोस्तों, इस मूवी में VFX का काम बहुत ज्यादा था, तो ये इस महीने में ही दोस्तों इसका काम पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक सेंसर पास नहीं हुआ है इस मूवी, ठीक है। लेकिन इसका जो ट्रेलर कटिंग हुआ था, ट्रेलर का पूरा सेंसर बोर्ड से पास हो गया था, लेकिन ट्रेलर को रिलीज नहीं किया है मेकर्स ने। क्यों रिलीज नहीं किया है? जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, बॉलीवुड मूवी दिल्ली में बहुत अच्छा चलता है, आप लोगों को पता है, लेकिन दिल्ली में अभी थिएटर पूरा के पूरा बंद हो चुके हैं। तो अभी का ये जो सिनेरियो है, जो अभी कोरोना ज़्यादा हो रहा है, न्यू ईयर आ रहा है और अभी दिल्ली में थिएटर बंद कर दिया है, तो इसीलिए शायद दोस्तों मेकर्स की सोच है जो इसका रिलीजिंग डेट को और भी आगे बढ़ा दिया जाएगा, और इसका जो ट्रेलर है अभी रिलीज नहीं करने वाले हैं, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को एक बात कान खुल के सुन लेना है, इस मूवी को OTT में रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों बड़ा बजट का मूवी है, इस मूवी को OTT में ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए दोस्तों थिएटर के लिए ही रिलीज करेगा, थिएटर में रिलीज करेगा, लेकिन थोड़ा दिन बाद रिलीज करेगा शायद, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों को इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन साउथ मूवी जो है, राधेश्याम है, RRR है, ये मूवी रिलीज हो रहा है, इसका कोई भी रिलीजिंग डेट को चेंज नहीं किया है या पोस्टपोन भी नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों, आप जो साउथ का मूवी है, इस मूवी का दिल्ली में या मुंबई में उतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं होता है, उन लोग का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हिंदी मूवी अगर रिलीज करता है दिल्ली में भी, उससे बहुत अच्छा कलेक्शन आता है। इसीलिए दोस्तों मेकर्स की सोच है, अभी थोड़ा देखना है, उसके बाद उस मूवी को रिलीज करना है। तो आप लोग को कैसा लगता है, जो मूवी को रिलीज करने से सही होगा या मूवी को पोस्टपोन करने से सही होगा, कौन सा होगा कमेंट में बताना। तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।